Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 8, exercise 8.3, question number 1, for class 8. Question which is given, calculate the amount and compound interest on. Or is me 5 part diye gaye. Kitna rupees diye hue hai, year diye hue hai, aur unka rate diya hua hai, hame unka amount aur compound interest find karna. तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ कि हम सॉल्व कैसे करें. इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है. फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहीं हमें एनुअल कंपाउंड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है, कहीं पे हाफ ईयरली है, कहीं पे क्वार्टरली होंगे. यहाँ तभी इस क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ हाफ ईयरली तक है, बट क्वार्टरली भी होंगे. और एक चीज और जानने वाली बात है कि कहीं कहीं ईयर्स जो है ईयर्स जो है वो क्या दिए होते हैं, वो फ्रैक्शन में दिए होते हैं. तो उन सब का हम सॉल्यूशन किस तरीका से करेंगे, अगर अर्ली निकालना हो तो, ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइंड करना हो तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर एनुअली निकालनी हो और हमारा फ्रैक्शन जो है वो अगर गिवेन हो, टाइम जो है वो फ्रैक्शन में गिवेन हो, तो थोड़ी सी मतलब हमें सब मतलब लगता है बच्चों को कि आखिर हम करें क्या. तो उन सब के को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे सबका फॉर्मूला लिख रखी हूँ, वो मैं बताती हूँ कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअली, अगर एनुअली हो तब हम क्या निकालेंगे. अमाउंट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर अपॉन में 100 टू द पावर एन. अब सबका मतलब क्या होता है, पी का मतलब ए का मतलब हो गया अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, और 1 प्लस आर, आर का मतलब रेट अपॉन में 100, एंड एन का मतलब टाइम का नंबर, वो 2 साल है 4 साल, एन के जगह पे 2 साल है तो 2 लिखेंगे, 5 साल है तो 5 लिखेंगे, इस तरीका से लिखेंगे. और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है जब हम पूरा अमाउंट निकाल देते हैं तो वो अमाउंट एंड माइनस में प्रिंसिपल. नेक्स्ट चलते हैं कि इफ टाइम इज इन फ्रैक्शन, अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तब हम क्या करेंगे. तब हम इस फॉर्मूला को कि हमने एक एग्जांपल में लिया है कि सपोज दैट टाइम जो गिवन हो 3 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स गिवन हो, तब हम क्या करेंगे. तब लिखेंगे कैसे, इस तो इस फॉर्मूला को फॉलो करके आप सॉल्यूशन करोगे. अमाउंट इक्वल टू पी इंटू आर प्लस सॉरी 1 प्लस में आर अपॉन में 100, आप इसे नोट डाउन कर लेना, 1 प्लस में आर अपॉन में 100 टू द पावर 3. ये जो हमारा होल पार्ट है मैंने फर्स्ट में इसे लिया है. उसके बाद इनटू 1 प्लस में आर अपॉन में 2, ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि ये डेनोमिनेटर वाले पार्ट लिया है, एंड अपॉन में 100. ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे अगर आपको फ्रैक्शन में टाइम गिवन हो तब. नेक्स्ट पार्ट विच इज इफ, और मैंने एक काम ये इंडिकेट नहीं किया, दिस इज वेरी बैड मैनर, ओके सॉरी. इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में दिया हो तब हम क्या करेंगे, तो वो अमाउंट का फॉर्मूला होगा. और बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो सब में सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल. तब हाफ ईयरली के लिए अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 200 अपॉन में 200. मैं इसे रिपीट बार बार कर रही हूँ, एंड इनका जो टू द होल पावर 2n, n का मतलब अगेन टाइम, 2 मल्टीपल, सपोज दैट आपको दिया हुआ है 2 इयर्स, यानी 2 मल्टीपल 2 यानी 4 वहां पे पावर हो जाएगी. ओके, नाउ इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R अपॉन में 400, है ना, R अपॉन में 400 इनटू टू दी 400, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4n, सॉरी टू दी होल पावर 4n. ओके, आप इस चीज को फॉलो, इन सारे फॉर्मूला को याद कर लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन करना काफी आसान हो जाए. ओके, ए पार्ट रुपीस 10,800, इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, P इक्वल टू 10,800, 3 ईयर, ये हो गया हमारा टाइम, 3 ईयर, 12 होल 1 अपॉन में 2%, ये हो गया हमारा रेट,
12 होल 1 अपॉन में 2% विच इज 25 अपॉन में 2 पर एनम। अब हमें निकालना है, अमाउंट फाइंड करना है, प्लस में क्वेश्चन मार्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अमाउंट का जो फॉर्मूला, अमाउंट फाइंड कर लेंगे तो प्रिंसिपल ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे। अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे आपको टाइम जो है फ्रैक्शन में नहीं गिवेन है, इसलिए हम जो फर्स्ट में मैंने गिवेन किया है फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे। इट मीन्स प्रिंसिपल इंटू वन प्लस में आर अपॉन में 100 टू द पावर एन। ओके, एन हमारा टाइम क्या है, 3 ईयर। पी विच इज 10,800 इंटू वन प्लस में आर क्या है, 25 अपॉन में 2 है, जो कि ये 100 के पास चला जाएगा 2। ओके, एंड टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप यहां पे आ जाएगा, 10,800 इंटू इसका मैं कर लू, ये 200 हो गया, ये यहाँ पे भी 200 एंड प्लस में ये 25। नाउ 10,800 इंटू इंटू में जाएंगे 225 अपॉन में 200 का टू दी पावर 3। 25 9 जा एंड 25 8 जा। ओके, 10,800 ये पावर 3 है, दैट्स व्हाई 9 अपॉन में 3 का मल्टीपल हम 3 टाइम्स करेंगे। 9 अपॉन में 8 मल्टीपल 9 अपॉन में 8 मल्टीपल 9 अपॉन में 8। ओके, अब चेक करते हैं कि 8 के टेबल से ये कैंसिल हो गया या नहीं। 8 1 जा 8 2 आएंगे, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 4 के टेबल से कर सकते हैं, 4 टू ज 8, मैं इसे 4 के टेबल से करके देखती हूँ, 4 10 0 8 8, 4 टू ज 8 10 2 8 7, ये कैंसिल हो गए कि 2 0। ओके, तो 4 टू ज एंड ये आ गए 27। अब ये 27 2 से कैंसल हो जाएंगे, इट मीन्स ये 8 से भी कैंसल हो जाता। अगेन मैं इसे कैंसल कर दूं, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा एंड 0। अब ये कैंसल होगा या नहीं, 8 से 5 0, 1 टाइम 5 5 7 0 नहीं होगा, पर 2 टाइम तो होंगे ही, ये 4 आ जाएगा और 6 7 एंड 5। ओके, अब कहीं से भी कुछ भी कैंसिल होने की संभावना नहीं है, तो इनका जब इन्हें आप मल्टीपल करोगे, इन सबको जब मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 15317.34। इन सबको जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करने के बाद इतना आएगा। हमारे पास अमाउंट ये गिवन थे, ठीक है, तो ये सॉरी ये प्रिंसिपल ये गिवन था, अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट विच इज 15317 माइनस 10,800, इन्हें जब माइनस करोगे, माइनस आफ्टर माइनस करने के बाद 500 577.34, सॉरी ये 34 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आ गया हमारा अमाउंट, तो इस तरीका से फाइंड करके हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट विच इज बी, बी 18,000 प्रिंसिपल है, पी इक्वल टू 18,000 टाइम विच इज 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स, यहाँ पे हमें
सेकेंड वाला जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो मैं अप्लाई कर रही एंड रेट विच इज 10%, ओके, अमाउंट क्वेश्चन मार्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+ में आर अपॉन में, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं नोट करके डायरेक्ट मैं लिख रही बट आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे, ओके, प्रिंसिपल विच इज 18,000, ओके, इंटू 1+ में, यहाँ इसका होल है 2, सॉरी अभी तो मैं ये लिख लूँ, 10 अपॉन में 100 एंड टू दी पावर 2, ये लिया, ठीक है, कैसे जैसे मैंने बताया था, एंड इंटू में 1+ में आर विच इज 10 अपॉन में, इसका जो डेनोमिनेटर है 2 एंड अपॉन में 100, ओके, नेक्स्ट स्टेप 18,000 इंटू ये आ गया 100, 100 प्लस में 10 इंटू 1+ में ये आ गया 10 अपॉन में 200, नेक्स्ट स्टेप विच इज 18,000, स्टेप बाई स्टेप करोगे, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ बट सॉल्यूशन स्टेप बाई स्टेप जब करते हैं तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है रॉन्ग होने की, विच इज 100 10 अपॉन में 100, ये 0 to 0 कैंसिल हो गए तो 11 अपॉन में 10 बचा, इनकी पावर 2 इंटू ये आ गया 200 देन 200 प्लस में 10, ओके, नेक्स्ट स्टेप 18,000 इंटू इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10 10 to 10 10 10, यहाँ पे भी हो गया आपको 210 अपॉन में 10 to 10 यहाँ कैंसिल हो गए और 10 to 10 ये 2 से ये कैंसिल हो गए आ गया 9, जब इन्हें मल्टीपल करोगे इन सबको जब मल्टीपल करोगे तो आपके पास आएगा 22,869 और इनका जो ये हो गया आपका अमाउंट, कि आपका फाइनल अमाउंट हो गया, ओके, दैट मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, द अमाउंट इक्वल टू 22,869 एंड हमारा ये प्रिंसिपल ये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 22,869 माइनस में 18,000, तो ये 4,869 हो जाएंगे, है ना, 4,000 से बाय 22,000 से लेस करोगे 18,000 का 4,000 आएंगे और ये रेस्ट का है 869, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा अमाउंट, सी पार्ट, प्रिंसिपल विच इज 62,500 टाइम विच इज 1 whole 1/2 years, रेट विच इज 8% एंड आपका यहाँ पे अमाउंट अगेन क्वेश्चन मार्क, कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन क्वेश्चन, अमाउंट हाफ ईयरली, यहाँ इसमें फाइंड करना है हाफ ईयर, तो हाफ ईयरली वाले फॉर्मूला में चलेंगे, हाफ ईयरली फॉर्मूला में क्या है, ये वाली फॉर्मूला, इट मीन्स पी इंटू 1+ में आर अपॉन में 200 टू द पावर 2n, अमाउंट इक्वल टू पी विच इज 62,500 इंटू 1+ में आर विच इज 8 एंड अपॉन में 200, ये आपका फ्रैक्शन में गिवेन है, इसे हम सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में गिवेन है, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 1 2 + 3 अपॉन में 2, 2 तो है ही और n क्या है हमारा 3 अपॉन में, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो गए विच इज 62,000
500 इंटू 1 प्लस 1 प्लस नहीं, ये 200 हमारा एलसीएम हो गया, ये 200 प्लस में 8 और टू द पावर 3। नेक्स्ट 62,500 मल्टीपल 208 अपॉन में 200 के टू द पावर 3। अब ये कैंसल हो गए तो मे बी फिफ्टी का टेबल से तो नहीं होगा, 8 से भी कैंसिल होंगे, सॉरी अब मैं 8 से करती हूँ, 8 टू जा एंड 8 6 जा एंड ये 25, 62,500 मल्टीपल 26 अपॉन में 25 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 50 यहाँ पे 12 आया एंड 5 तो 25 5 जा टेन ये 0 0। अब यहाँ तो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे वो 100 आ जाएगा, ये भी सिंपली कैंसिल हो जाएंगे 4 आ जाएंगे। इन सब को जब आप मल्टीपल करते हो तो आपके पास आएगा 70,304। ओके तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया 70,304। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल विच इज 70,300 में 4 माइनस 62,000। इनसे जब इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7804 रुपीज। इतना के हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट में प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000 टाइम विच इज 1 ईयर एंड ये रेट विच इज 9% एंड हाफ ईयरली करना है, अमाउंट विच इज क्वेश्चन मार्क सी आई इक्वल टू क्वेश्चन, हाफ ईयरली करना है तो ये अमाउंट इक्वल टू का जो फॉर्मूला है हाफ ईयरली वाली लेंगे विच इज पी इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में 200 इंटू 2 एंड प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, 1 प्लस में आर 9 एंड ये 200 एंड 2 मल्टीपल 1, 1 ईयर है, 8,000 मल्टीपल 200 प्लस में 9 इंटू 2, 8,000 मल्टीपल 209 अपॉन में 200। मे बी दोनों का कोई भी ये नहीं होगा, दैट्स वाई 200 में 9 अपॉन में 200, 20 टू 20 एंड 10 से 10, ये 2 4 जा एंड 4 5 जा, ओके कैंसिल हो गए। और इन सब को जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 8736.20, इतना रुपीज आपका अमाउंट आएगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यू नो दैट, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल विच इज 8736.20 माइनस में 8,000, सिंपल सी बात है, इसमें आ जाएगा आपको 736 पॉइंट, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सिमिलरली अब लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ स्पेस तो है मैं इधर कोशिश करती हूँ, सी पार्ट को रब कर रही हूँ। लास्ट पार्ट विच इज प्रिंसिपल विच इज 10,000 टाइम 1 ईयर
रेट 8% अमाउंट क्वेश्चन मार्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ प्रिंसिपल विच इज 10,000 बट आप कभी भी विदाउट फॉर्मूला सॉल्यूशन नहीं करना जब लिखते लिखते ही आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे इनटू वन प्लस में हमारा आर जो है वो 8 है एंड अपॉन में 200 टू इंटू वन टाइम क्योंकि वन है गिवेन टाइम वन ईयर गिवेन है देन ये 200 प्लस में 8 एंड मल्टीपल में 2 10,000 मल्टीपल 208 अपॉन में 200 अभी अभी मैंने कैंसिल किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ये आ गए थे 26 अपॉन में 25 ओके नेक्स्ट स्टेप विच इज 10,000 मल्टीपल 26 अपॉन में 25 मल्टीपल 26 अपॉन में 25 सिंपली ये कैंसिल हो जाएंगे ये 100 कैंसिल होगा 4 टाइम और ये 20 25 से ये भी कैंसिल हो जाएंगे 25 वन जा एंड 25 सिक्स जा यानी 16 जब इन्हें मल्टीपल करोगे तो आपके पास आएगा 10,860 ये हो गया आपका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज 10,860 माइनस में 10,000 क्योंकि प्रिंसिपल है 10,000 आ गया आपका 860 ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया आपका सॉरी अमाउंट दिस इज अमाउंट एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबा दे लाइक और शेयर करना ना भूलें